News 18, India. बड़ी खबर कर्नाटक से मिल रही है, जहां पर कांग्रेस सरकार ने हिंदू धार्मिक संस्थानों से जुड़ा हुआ एक विधेयक पारित किया है। इस विधेयक के मुताबिक मंदिरों को भी अब टैक्स के दायरे में ला दिया गया है। खबर यही है कि जिन मंदिरों का राजस्व 1 करोड़ से ज्यादा है, उन मंदिरों को 10% टैक्स देना होगा। इस खबर के बाद कर्नाटक सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई है। विपक्ष इसे सरकार का हिंदू विरोधी कदम करार दे रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय की तरफ से कर्नाटक सरकार के इस कदम को जाजिया कर जैसा बताया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, नया विधेयक जो कि पारित किया गया है कर्नाटक सरकार की तरफ से, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का जिस भी मंदिर में पैसा आ रहा है उसे 10% टैक्स देना होगा। न्यूज 18 साउथ इंडिया के मैनेजिंग एडिटर विवेक नारायण हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। विवेक जी, 1 करोड़ से ज्यादा राजस्व पर 10% टैक्स, विपक्ष तो आड़े हाथों ले ही रहा है, किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए, ये पहली बात ये है, ये जो नया बिल पारित हुआ है जिसके हिसाब से 1 करोड़ के ऊपर जिनकी आमदनी हो, जिन मंदिरों की आमदनी हो, उनको अपनी 10% जो उनकी अर्निंग है वो सरकार के मुजराई डिपार्टमेंट में देना होगा। मुजराई डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो कि पूरे मंदिरों का देखभाल करती है वहाँ सरकार की ओर से। अब इस पे सवाल ये है कि ये मुजराई डिपार्टमेंट को ये पैसे क्यों जाए, जबकि एक महीने पहले जब राज्य में ये बजट पास किया गया था, उस बजट में जो नए यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये बोला था कि बाकी स्पेशली मुस्लिम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको काफ़ी हद तक उन्होंने ऑफर्स दिए थे, जैसे 100 करोड़ के जो वक्फ के एसेट्स हैं, वक्फ बोर्ड के एसेट्स हैं, उनको नए गेट बनाने के लिए, नए दीवार बनाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए सरकार के खजाने से पैसे जाती हैं। और जबकि मंदिरों के से जो पैसे लिए जाते हैं वो मुजराई डिपार्टमेंट में जाते हैं, और मुजराई डिपार्टमेंट से सरकार का कहना है कि बाकी छोटे मंदिरों के लिए जाती है। अगर 1 करोड़ के ऊपर जो आमदनी है उस मंदिर के पैसे लेके छोटे मंदिरों को दिया जाता है। अगर यही लॉजिक किया जाए, क्यों ऐसा क्यों है कि 100 करोड़ मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस के लिए जाती हैं, वो भी डायरेक्ट सरकार की ओर से, ये ऐसा क्यों है कि हिंदू इंस्टीट्यूशंस के पैसे ही मंदिरों के जाते हैं? ये जो इसमें जो द्वितीयता आपको दिखती है, इसी को लेके सबसे ज्यादा इशू हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, भेदभाव एक तरह से सीधे सीधे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो मंदिर और मस्जिद के बीच की या वक्फ बोर्ड की अगर बात करें। बहुत शुक्रिया विवेक जी।